Namaskar. Hello viewers. Welcome to another episode of Cultural Journey with Manushi, Sanskritik Safar Manushi ke saath. Aaj hum bahut khush naseeb hain ki hamare saath maujood hain vishwa vikhyat tabla vadak Ustad Tariq Khan sahab. Aaiye unse mulaqat karte hain aur chalte hain unke sangitik safar par. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में. थैंक यू साहब. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं जर्नी कल्चर जर्नी विद मनोशी जी और इस चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बुला के बड़ी इज्जत अफजाई कर रहे हैं और आप खुद भी आर्टिस्ट हैं और ये इंटरव्यू जो है ये वाकई मैं और अपने लोगों को जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं जितने भी मेरे दोस्त हैं फैंस हैं उनको मेरी तरफ से आदाब सलाम अलैकुम सत श्री अकाल नमस्कार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ. खान साहब का शुक्रिया. खान साहब हमारे लिए यह बहुत इज्जत की बात है बहुत सम्मान की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने समय निकाला. हमें पता है कि आप कल ही टोरंटो पहुँचे हैं और उसके बावजूद आप यहाँ पर आकर हमसे बातचीत कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. जैसे कि मेरा हमेशा ही एक सवाल होता है सबसे कि आपके इस सांगीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई. बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं. ये म्यूज़िक की जो जर्नी है जो सफ़र है ये होता नहीं है सोचा नहीं जाता. आर्टिस्ट दो किस्म के होते हैं. उनकी जर्नी खुद से शुरू होती है वो मालिक की तरफ से होती है. आर्टिस्ट जो है वो मालिक की तरफ से बनता है. क्या बात. दो किस्म के आर्टिस्ट होते हैं. एक मालिक पैदा करता है वो उसके ब्लड में होता है. एक आर्टिस्ट यहाँ आके बनता है उसको शौक होता है. तो जो नेचुरल आर्टिस्ट आता है जिसको मालिक किसी काम के लिए फ़नून लतीफ़ा में जैसे कल्चर में मौसीकी है और पोट्री है पेंटिंग है जितनी भी फ़नून लतीफ़ा के जो जितने भी चीज़ें हैं उसमें दो किस्म के आर्टिस्ट होते हैं. वो एक मालिक की तरफ से और एक दूसरी तरफ से. जो उसकी तरफ से बन के आता है उसका कोई जवाब ही नहीं होता. उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी करनी चाहिए. एक एक मेहनत जो करता है वो भी मालिक उसको सुनता है क्योंकि वो रियाज कर रहा है इबादत कर रहा है. प्रैक्टिस जो है रियाज जो है वो पूजा है. जो पूजा करेगा उसका कुछ ना कुछ तो करता है वो. नहीं भाई ये तो पीछे पड़ गए तो वो भी आर्टिस्ट बनता है. ये नहीं बनता नहीं. मगर जो उसकी तरफ से बनता है वो फिर मालिक की तरफ से ऐसा. तो उसका जो सफर है वो असल में खुद नहीं शुरू करता वो उसकी तरफ से शुरू होता है. और जब उसका एक खुद सफर शुरू करता है एक उसकी तरफ से शुरू होता है. जब उसकी तरफ से शुरू होता है तो वो फिर उसको रास्ता जो है खुद खुद मिलता जाता है. सिर्फ एक बात ज़रूर है कि नेचुरल टैलेंट को गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है. गुरु भी अच्छा मिल जाए वो नसीब की बात लक की बात है. बहुत बहुत टैलेंट की दफ़ा ज़ाया होते उनको गुरु सही नहीं मिलता उसकी डायरेक्शन सही नहीं होता. वो डायमंड की तरह होता है. एक रॉ डायमंड मतलब जो होता है वो नमक के सॉल्ट के ढेले की तरह होता है. आपको आप डायमंड को और नमक के ढेले को रॉ को अगर रखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि रियल डायमंड कौन सा है. मगर जो रियल डायमंड होता है जब उसको काट तराश के अंगूठे में लगा के तो वो लाखों करोड़ों का होता है. नमक को जितना मर्जी मेहनत कर लो एक बंदे का आवाज़ ही बंद है आप इससे गाना कैसे करवाओ. नेचुरल आवाज़ ही नहीं उसकी. नेचुरल हाथ ही नहीं उसके. उस पर माथा मारने की ज़रूरत नहीं है.
मेरे कई दफ़ा स्टूडेंट आते हैं तो मुझे समझ आती है कि ये ऊपर की तरफ से ये काम नहीं है, यार तुम तबला मत बजाओ, कोई और काम कर लो। हाँ, काम का वक्त ज़ाया करेगा, कुछ और इंस्ट्रूमेंट कर लो। हम इंस्ट्रूमेंट क्यों बजाते हैं, क्या करते हैं कि वो शौक है, इश्क है, मगर वो जो जिसको टैलेंट मालिक ने दिया हुआ है, वो जब उस काम में आता है, उस काम के लिए बना होता है वो बंदा। जब वो काम करता है तो वो बहुत जल्दी साथ में उस्ताद मिलके उसको काट तराश के डायमंड बना के अंगूठी में लगा के प्रेजेंट करता है, लोग पागल हो जाते हैं। क्या बात है, आप अभी बात कर रहे थे कि तो ट्रैवल ऐसे शुरू होता है जी, गुरु मिलना बहुत जरूरी है और गुरु जो है वो आपको आगे रास्ता दिखाता है। बेशक बेशक, उसके बगैर रास्ता नहीं। आपके अपने गुरु के बारे में हमें बताइए। बहुत अच्छी बात की, मैं बहुत खुशनसीब आदमी इस मामले में कि मेरे उस्ताद के बारे में, गुरु के बारे में, गुरु सबके ही अच्छे होते हैं। गुरु कोई भी ऐसा नहीं कि वो ऐसा, गुरु जितने भी अच्छे हैं वो काबिल इज्जत काबिल एहतराम हैं, उनकी इज्जत उनका रिस्पेक्ट जो है वो करना ही चाहिए। करेंगे तो आगे जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। मगर मेरे गुरु जी के बारे में, मैं तबला तो बहुत दुनिया में सुना, मैंने उनको बस एक दफ़ा सुना जिंदगी में बचपन में, और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यही मेरे गुरु। सिर्फ मुझे नहीं पता था कि ये तबले का नॉलेज क्या होता है, बच्चा हूँ मैं, मगर सुर को बहुत प्यार करता था, लय को बहुत प्यार था, गाना बड़े प्यार से सुनता हूँ, मौसीकी से बहुत लगाव। मेरे वाले साहब क्लासिकल आर्टिस्ट थे, गाते घर में गाना बजाना था तो गाना सुनता था। फिर कुछ मेरी खुशकिस्मती के बड़े बड़े उस्तादों के साथ मेरी बैठक उनसे हुई, फिर मैंने गाना सुना भी सीखा भी। तो मुझे ये समझ में बात आई कि जो सुर है ना, जिसको सुर की समझ आ जाती है उसको भगवान की पहचान हो जाती है। वाह क्या बात कही आपने, उसी में भगवान है। जितनी महसूस करने वाली चीजें हैं, फील करने वाली चीजें हैं, सुर है, सुर नजर नहीं आता, बिल्कुल लय नजर नहीं आती, महसूस करते हैं, हवा महसूस की जाती है, रियल लव महसूस किया जाता है, खुशबू। तो ये चीजें जितनी भी महसूस करने वाली चीज है, इन्हीं में भगवान है, इनमें गॉड है। कोई सुर से, कोई सुर के जरिए ढूंढता है, कोई लय के जरिए से ढूंढता है। तो हमें यही समझ आए कि हम ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। जितना जितना इंसान सुर के अंदर होगा, सुर में होगा, समझो वह भगवान के करीब जा रहा है। जितना जितना लय को बारीक देखेगा, लय के अंदर जाएगा, वो भगवान के करीब, मैं उसको समझता हूँ। बाकी ये टेक्निकल बातें बाद में हैं कि फलां राग क्या है या फलां ताल क्या है या ये क्या चीज़ है या वो क्या चीज़ है, ये आगे पीछे की बात है। पहले सुर और लय, दो चीज़ें, ये वो देता है या नहीं देता, दो ही बातें, यही समझ में आई। तो आपकी मुलाकात आपके गुरु से? हाँ, मेरे एक दफ़ा वो टीवी पर बजा रहे थे, एक दिन रिकॉर्डिंग सुनी मैं, तो मैं उनका साउंड सुन के पागल हो गया। जब उनकी धार लगी है ना जी, और यहाँ लगा मुझे कि ये क्या है, ये गाना गाते हैं या तबला बजाते हैं, घुटने चल रहे हैं और उसमें से फीलिंग बाएं दाएं की निकल रही है, बाएं को ऐसे करके कर रहे हैं। मैंने आई नेवर सीन लाइक दिस कि वो बाएं को ऐसे छेड़ते हैं और दिवाली के साथ ऐसे करते हैं, तो जहाँ दिल चाहता उसको सुर को वहीं कर लेते हैं, और वहाँ जोर से भी नहीं मारते, ऐसे इशारा करते हो बाएं की फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाती। ये क्या है, ऐसा मुझे सुनने में नहीं आया। वो बजाते बजाते बस उनका सुर लड़ा मुझे, क्योंकि सुर से मुझे बहुत प्यार था। तो क्या उम्र थी तब आपकी जब आपने उनको पहली बार टीवी पर देखा और उनका नाम? बस वो मैं दीवाना हो गया पागलों की तरह, रेडियो पर सुनता था उनको, उनको मिला भी नहीं था, उनको सुनता रहता था रेडियो पर। जब क्लासिकल रात को प्रोग्राम चलता था, उनके तबले के लिए रेडियो ऑन किया है और सुन रहा हूँ, उसमें जो साउंड का मजा लेता था कि ये क्या तबला बज रहा है, ये क्यों नहीं किसी के साथ मिलता, और भी बज रहे हैं, इनके हाथ में कौन सी चीज है, ये दिमाग तक नहीं रहता, ये दिल में उतर रहा है। एक दिन मैं रियाज कर रहा था वैसे, तो मुझे कोई सबक दिया उन्होंने, तो मैं बजा रहा हूँ तो जरा जोर से बजा रहा हूँ, तो वो आए तो मुझे नहीं पता, स्टूडियो में ऐसे दरवाजा खोल के तो ऐसे खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं। अब मैं बड़े जोर शोर से लगाऊ, मैं अचानक देखा तो मैं डर के उठ के खड़ा हो गया। जो मैं तो मैं 10 मिनट से सुन रहा हूँ, तुम आंखें बंद करके तबला बजा रहे हो,
मैं क्या जी ठीक मैं करा हुआ। कहते यार तुम मेरे ही बेटे हो कि तबले को पीट रहे हो। बेटा ये पीटने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेरे इंस्ट्रूमेंट को तुम मार रहे हो, पीट रहे हो। ऐसे नहीं करते बेटा, इसको प्यार करो, इससे मोहब्बत करो, ये फिर तुम्हें मोहब्बत करेगा। मेरे दिमाग में एक अच्छी बात की, इन्होंने कमाल की बात, उन्होंने तबला पकड़ा और बजाया। यहाँ लगा मुझे हाँ ऐसा करो, मैं कह ऐसा तो होगा नहीं। उस दिन से मैं ये दिमाग में ये ठान ली कि मैं अगर थोड़ा सा बजाऊं तो कम कम उसको प्यार तो करूं, उसकी फ्रीक्वेंसी का मजा लूं। तो उनकी दुआ है कि चाहे मैं थोड़ा सा बजाता हूं मगर मोहब्बत करता हूं, बस यही मुझे मैंने सीखा है। उन्होंने बोला मौसीकी प्यार है, मारपीट का नाम नहीं है, मोहब्बत का नाम है, पीस का नाम है, पीस का मैसेज देता है, लव सिखाता है मौसीकी, मौसीकी में मोहब्बत है, अच्छा पैगाम देता है, शेयरिंग और केयरिंग करने का काम है, इसको मारपीट करने का काम नहीं है। तो किस उम्र से आपने अपने गुरु से तालीम लेना शुरू किया? बस भाई उसके बाद फिर मुझे मेरी फरमाइशें इतनी चलेगी, मैं बगैर फेमस हुए ही थोड़ा बहुत फेमस होना शुरू हो गया शागिर्द होने के पहले, तो मेरी फरमाइशें गुरु जी के पास, एक उस्ताद भाई नसीरा जी बहुत बड़े पखावज थे, वो मेरे वाले साहब के भाई थे, चचा जात भाई थे, ऐसे थे वो सतारा हिंद थे पखावज के, तो बच्चे थे, मैं उनकी गोद में पला, तो कहने लगे यार वो तेरे बेटे को सुना वो बड़ा जहीन है, तो इसको तो कहते भाई साहब आप अगर वो उसमें टैलेंट जाए तो आप सिखाइए उसको। तो बड़े कमाल के लोग थे, कहने लगे नहीं यार इसको हमारा काम दुर्बत दमार पुराना म्यूजिक जो है ये फेड आउट हो रहा है, ये ठीक नहीं है, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आगे ये इन बच्चों को लेके जाना है इसको। मैं उन्होंने भी मैं खुश हो गया, उन्होंने भी डिसाइड किया कि नहीं इनको मेरा बेटा ही है, मेरे उस्ताद चिचा जी बोलते थे उनको कि शौकत खान साहब को मैं उनको ऐसे उन्होंने जैसे बच्चे को बुलाते हैं ना प्यार से कि मेरे उस्ताद के जो वाले थे वो पगड़ियाँ बांट लेते थे, भाई बनते थे, कह लेके वो मेरे भाई का बेटा है तो मैं उसको बोलूँगा कि हमारे बच्चे को सिखाओ ये काम। आज गत का दौर है, पखावज का दौर नहीं है, मैं वो पखावज सिखाना होता तो इसको मैं तो पहले सिखाऊँ, थोड़ा बहुत सिखाएंगे तो सीखा मुझे। मैं कहते नहीं इसको वहाँ शिकत कर, पहले उनकी फरमाइश गई उस्ताद सलामत अली खान साहब की फरमाइश, उनके घरों में मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा, उन्होंने फरमाइश की, उनके बेटे मेरे साथ पढ़ते थे स्टडी करते थे उनके साथ भी घर में चलने खान साहब बैठे तारी तबला ले गया वहाँ आया बैठो बैठे टिका लगाओ सुरमंडल पकड़ा गाना शुरू कर दिया मेहदी हसन साहब हैं जी वो मुझे बिल्कुल प्यार करते थे बेटों के। बचपन में मैं 14 साल के 13 साल की उम्र में उनके साथ कॉन्सर्ट करने लग गए, उनका गाना सुना। अल्लाह भी तो जानता है कि क्या जादूगर लोग थे, हिप्नोटाइज कर देते थे कि गाना गाया और सुर लगा और पता चला कि ये कुछ हो गया है, डैम ही नहीं लगा जी। कोई राग शुरू किया मैंने नहीं देखा कि उनको 10 घंटे गाते हुए कहते फिर रचाया ऐसे 1 2 3 राग की बस जैसे पकड़तान होती है, वो कैसी टेक्निक थी उनके पास कि वो कोई राग शुरू किया और 2 मिनट भी नहीं लगे, आधा मिनट हुआ कब्जा हो गया रच गया। तो ये जादूगर लोग थे, इन लोगों के पास सुन सुन के कमाल ही याद करता हूँ कि वो गाना बजाना क्या कर गए ये बोलो। फिर उन्होंने एक कॉन्सर्ट हो रहा था, कोई बरसी हो रही थी बहुत बड़ी, अच्छा वहाँ फिर उस्ताद जी ने मुझे सुना कहते ये कौन तबला बजा रहा है, कहने लगे जी वही बच्चा है इसको शिकर, तो स्टेज पर एंटर हुआ लोगों ने क्लैप, अच्छा? मैं घबरा गया उठ के खड़ा, नहीं नहीं बेटा बजाओ, मैंने बजाया तो बड़े खुश हुए क्योंकि मेरा रंग तो स्टाइल तो वही था जिनका मैं आशिक था, वो भी हैरान हुए कि यार ये कहाँ सीखा है मुझसे ये। फिर उन्होंने कहा बेटा तू मेरे पास आ जा, तो 3-4 साल 5 साल पता नहीं कितने साल मुझे शागिर्द नहीं किया उन्होंने, अच्छा मैं समझ मैं मुझे शौक है कि मुझे गंडा बांधे शागिर्द को, कहते सब्र करो कोई बात सिखाते रहे। फिर बहुत बड़े एक टाइम आया, बड़े बड़े अच्छे उस्तादों को बुलाया, फिर कहते हाँ अब शागिर्दी करो, तो उसमें बहुत बड़े बड़े फनकार थे और वहाँ उनका मतलब था कि मैं इसको सुनाऊँ, मैंने वहाँ बजाया।
आप जब बात कर रहे हैं ना शागिर्द और हमारे जैसे हम कहते हैं गुरु और शिष्य की परंपरा जो होती है, बिल्कुल एक अजीब रिश्ता है। तो आप उस रिश्ते के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या आप वहाँ रहकर सीखते थे या आजकल जैसे होता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, हम एक घंटे दो घंटे के लिए जाते हैं सीख के आ जाते हैं, ऐसा गुरु परंपरा कुछ और चीज है। जी बिल्कुल, वो भक्ति की बात। बिल्कुल, हमने अपने उस्तादों को भगवान की तरह माना, बिल्कुल वो पूजा की तरह। ये वो उन टीचर के, यही फर्क है हमारी मौसीकी के टीचर में और स्कूल के टीचर में और प्रोफेसर में। वो भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, काबिल इज्जत काबिल एहतराम हैं, उनका एहतराम करना लाजमी है। वो हमें नॉलेज दे रहे हैं, इलम दे रहे हैं, मगर अपने गुरु जो मौसीकी का गुरु है हम उनके पाँव छूते हैं, वो वहाँ प्रोफेसर के पाँव नहीं छूते। क्यों, क्या मकसद है इसका? वो भी तो गुरु है, वो नहीं गुरु है, मगर इसकी रिस्पेक्ट क्यों है? इसकी रिस्पेक्ट इसलिए है कि ये भगवान का काम है, ये आम काम नहीं है, ये इसका गुरु होना बहुत मुश्किल काम है। और वो काम सिखाया जा रहा है जो भगवान का काम सिखाया जा रहा है। यहाँ का दुनिया का नॉलेज और ये नॉलेज में फ़र्क है। इसकी मैथमेटिक, हमारी मैथमेटिक और है, मालिक की मैथमेटिक और है। मौसीकी की मैथमेटिक को इस रिलेटेड जरूर है, मगर हमारी मैथमेटिक में हम इस दुनिया की तीन जगह पर उसको डिवाइड करें, 16 को 16 को 3 टाइम, तो कंप्यूटर भी नहीं करेगा, पॉइंट बाई पॉइंट बाई पॉइंट बढ़ जाएगा। यहाँ हमारा दुनिया का मैथमेटिक ख़त्म हो गया, जहाँ से ये ख़त्म होता है यहाँ से शुरू होता है। ये स्पिरिचुअल है, ये आर्ट का तल्लक ही भगवान से है, खुदा से है, इसलिए इसमें फ़र्क है। तो ये स्पिरिचुअल गुरु जो है वो भी स्पिरिचुअल ही होता है, तो वो आपको स्पिरिचुअल आर्ट दे रहा है, भगवान का काम सिखा रहा है, सबके पास नहीं है। इसलिए इस गुरु की रिस्पेक्ट जो है वो बहुत हाई क्लास की है, इसलिए हम उनको जिस रिस्पेक्ट से, दिल से, इज्जत से। और वो शागिर्द जो अपने गुरु का हाईली रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा और इश्क करेगा, वो आगे निकल जाएगा, उस पर ब्लेसिंग हो जाएगी। ये मेरा धर्म है, मेरा ईमान है। मैं बात कर रही थी कि आपने मुझसे कुछ और बातें निकाल रही हैं जो मैं पहले इंटरव्यू में नहीं की। चलिए, इंटरव्यू नहीं, ये बातचीत हो रही है हमारे और हमारा, तो लोगों को पता चलना चाहिए हमारे जो सुनने वाले हैं कि गुरु की रिस्पेक्ट क्या होती है। आजकल लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए, मास्टर जी समझते हैं कि म्यूजिक, आज वो हमारे कराटे की क्लास है, आज हमारे फलां, आज म्यूजिक की क्लास है। भाई म्यूजिक की क्लास में कुछ और बात है, ये मालिक का काम सिखाया जा रहा है, ये आम काम नहीं, ये सबको याद नहीं है, ये वो काम सिखाया जा रहा है जो बहुत चंद खास लोगों को पता होता है। वो जो आपने कहा गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो बहुत खास होता है। मेरा रिश्ता मैं आपको बताऊं जी, एक बात, मेरा उस्ताद जी के साथ रिश्ता ये था कि मैं जब उनको शागिर्द गया, बनने गया, यकीन करेंगे मैं तबला सीखने नहीं गया, मैं उनको देखने गया था, और देखता रहता था पागल उनको पता था ये पागल है। और उन्होंने अगर एक साल नहीं सिखाया तो मेरे जाने में फ़र्क नहीं है, क्योंकि मुझे तबले से तलक नहीं है, मुझे उनसे तलक, उनसे इश्क है। मैं आशुक उनके आर्ट का, मुझे उनके अंदर एक मालिक का एक रूप नजर आ रहा है, एक आर्ट मालिक ने रिच दिया, मैं उनको ऐसे देखे जा रहा हूँ, हाथ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ बस। और शागिर्दी इसलिए हुई मेरी कि मैं उनके क्लोज होकर बैठ सकूँ, और कभी ज़िंदगी में नहीं बोला कि जी फलां चीज़ क्या है, ये भी मेरा रिकॉर्ड है, कि उस्ताद जी वो गुरु जी वो क्या आपने किया था मुझे, नहीं, जो उन्होंने सिखा दिया है वो सीखा है, वो भी उनका जब मूड आया तो सीख लिया, जब उनका नहीं मूड आया तो मैंने कभी नहीं उनको तंग किया। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने ऐसे मुझे करना शुरू कर दिया, देना चाहिए, यही भी याद करो, ये भी याद। तो मैंने कहा कि जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं बेटा ये ज़रूरी है, हक वाले को हक देना ज़रूरी है, ये तेरा हक बनता है, ये चीज़ जो है ये हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो मैं ये तुम्हें इसलिए सौंप रहा हूँ कि तू मेरा नाम करेगा, यू आर द वन। और ये बेटा ये कोई चीज़ नहीं कर, ये भी सब याद करो, ये भी याद करो, तो ऐसे ऐसे करते थे। आपका जो प्यार है अपने गुरु के लिए वो ना हमें महसूस हो रहा है, मैं इश्क किया है,
बिल्कुल हमें महसूस, मैं अभी तक उनका रिकॉर्डिंग में 5-10 मिनट सुनता हूँ, उसके बाद मैं रोना शुरू कर देता हूँ। आई लव हिम सो मच। उसके बाद मैं तबले का ऐसा साउंड कभी नहीं सुना, आई एम सॉरी। क्या बात है, कोई भी कुछ समझे, मगर जो टोन उनका है ना, कि मैं सारी सारी रात बजाता था कॉन्सर्ट पर, लोगों के साथ बजा रहा हूँ, गवैये आ रहा है, क्लासिकल रात को गाना बजाना हो रहा है, और वो आते थे और आके सिर्फ टच किया तबला, ख़त्म सारा, कुछ तारी साहब का पता नहीं चला कहाँ गए। ये चीज़ नहीं नजर आती। आप अगर हमें और हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा सा कुछ सुनाएंगे, मुझे पता है आपके पास तबला नहीं और आप बहुत थके भी हुए हैं, बहुत आशीर्वाद होगा हमारा अगर आप थोड़ा सा कुछ पढ़ के सुनाएं, अगर आपको कुछ याद ऐसा लगे, कुछ भी जो आपके गुरु के लिए आपको लगता है कि हाँ उन्होंने मुझे ये खास चीज़ सिखाई थी। खास तो उन्होंने बहुत बहुत चीज़ें सिखाई हैं, ऑफ कोर्स। चलो कुछ जो भी जो आपका मन करे। एक ऐसे उस्ताद जी के गत पढ़ देता हूँ, एक अपना चक्रधार है, दिन दिन ना ना दिन दिन चक्रते ना ना दिन 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 ना धा दिन दिन ना दिन दिन ना ना चक्रते ना ना दिन धान गाया तो गणित ना करना धाते के देते गलत ना करना दगना धाते के देते देते ते गलत तक दिन नड़कट धा तक दिन नड़कट धा तक दिन नड़कट धा धा धान गाया तो गल चक्रधार अपना बेदा में क्या बात है। तो बड़ी बड़ी बारीकियों की कुछ चीजें सुनाया करते थे जी। पंजाब घराने से हैं, ये भी पंजाब, आपके पंजाब घराने का है बिल्कुल। ये थोड़ा सा फर्क बताएं हमें कि पंजाब घराने के साथ दूसरे घरानों के बीच में क्या खास फर्क है, जिससे कि हम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंजाब घराने के बारे में ये है कि ये पकावजियों का घराना है। उस्ताद मियां कादर बख्श बिलोंग टू पंजाब घराना। पंजाब घराने में ये ख़ास चीज़ है कि ये पखावजी हैं, इनके पास जो गत और पखावज का जो गतें और परने हैं वो बड़ी यूनिक है। और दूसरी बात, ये पंजाब के लोगों में ये बात है कि इसमें लय का, मैथमेटिक का बहुत दखल है। अच्छा, हाँ, ये सीधा नहीं जाते, थोड़ा सा टेढ़ा होके जाते और लय को बड़ा अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। जी जी। और दूसरे घराने भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। उनके भी अपने अपने अंग हैं, कमाल जी, है जी। और हर फूल की अपनी खुशबू है। बिल्कुल। और आजकल के ज़माने में अगर कोई ये बोले कि मैं पंजाब घर बजा रहा हूँ या फरखाबाद बजा रहा हूँ या जराड़ा है, दिल्ली है, ये जितने भी घराने वो अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे, उनकी अपनी अपनी स्पेशलिस्टी है। जैसे दिल्ली घराना है, दिल्ली में कायदे का उनका सब्जेक्ट कायदा है, उन्होंने कायदा बहुत खूबसूरत बजाया है। और तबले में कायदा भी जो है वो बहुत मेन सिंफ है, मेन चीज़ है। कायदों को जैसे राग बढ़ा जाता है, उसको कायदे को बढ़ना पड़ता है जी। उसमें मेमोरी चाहिए, स्टेमिना चाहिए, लेकिन उनको चलना। ये करेला होता है वो आसान होता है, उसको आदमी चढ़ देता है एक्साइटमेंट करके, लोगों को कुछ कर सकता है, मगर कायदे में माफ़ी नहीं है। कायदे का मकसद ये है कि आपने जो सब्जेक्ट शुरू कर दिया है, जो चीज़ शुरू की है, उसी की बढ़त करनी है। वो दिल्ली वालों को कहता है धा तेटे। अब उसमें 2-3 लफ्ज है, धा तेट, वही धा तेट है, धागे 3 आगे ना, बस अभी इन्हीं को बढ़ना है और ये ख़त्म ना हो, तो उसको इस तरह से बढ़ना है कि नए से नया कुछ होता जाए, खूब से खूब तर्क होता चला जाए। ये ना हो कि दो दफ़ा बजाते छोड़ दिया, नहीं, उसको ले के चल रहा है। तो दिल्ली वालों का ये स्पेशलिस्ट ही है, गात पढ़ने की उनकी स्पेशलिस्ट ही है, कुछ लोगों के रेले की स्पेशल है उनका सिस्टम। तो सबका सिस्टम बहुत अच्छा है, किसी का भी कोई ऐसा नहीं है कि बेहतरीन है, मगर हम आजकल के ज़माने में हम एक टाइप का नहीं बजाते, हम बुके बनाने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ जहाँ से अच्छी लगती है कि यार इनकी ये चीज़ है वो भी डाल दो, तो उसको बुके बना के हम पेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी चीज़ें अच्छी आ जाएं, बीच में आ जाएं।
आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, पहले मेरा सवाल यही हो रहा था कि हाँ। आप क्या हर चीज को लेकर चलते हैं, तो आप तो बिल्कुल यही जवाब दे रहे हाँ, हैं। जैसे आपने अभी कह रहे थे सवाल करना है संकट का या यो, वो मैं बताता हूँ, बुके बनाएंगे तो जरा खूबसूरत लगेगा जी, बुके नहीं बनाएंगे प्योर एक एक चीज एक टाइप का ही हो जाएगा। मैं एक टाइप का बिलीव नहीं करता जी। मौसीकी के कई रंग हैं जी, उसमें फोक भी है, उसमें लाइट भी है, फिल्मी स्टाइल भी है, उसमें गजल भी है, उसमें क्लासिकल भी है, उसमें बहुत बहुत चीज़ें और भी हैं, कव्वाली भी है। तो ये सारी सिन्फें जो हैं जो मौसीकी के साथ रिलेटेड हैं, वो कोई भी मजाक नहीं है। हर सब्जेक्ट में हर बंदा उसका स्पेशलिस्ट है, जैसे डॉक्टरों में कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है जी। कोई इंजीनियर है, कोई कोई हार्ट का है, कोई नैरो सर्जन है, कोई कोई इस तरह ये सब्जेक्ट है। और अगर सारी चीज़ों का पता लग जाए जी, तो मैं मेरा क्या ख्याल है, अच्छी बात बहुत अच्छी बात है। यही कि आप तो सोलो भी बजाते हैं, जब बिल्कुल प्योर क्लासिकल बजा रहे होते हैं तो वो बजा रहे होते बिल्कुल। हैं, जब आप संगत कर रहे होते हैं किसी क्लासिकल सिंगर के साथ या क्लासिकल जो बहुत अच्छी बात है, वो भी आप बजा रहे होते हैं। इसके अलावा जैसा आपने अभी कहा कि मेहंदी हसन साहब के साथ भी आपने बजाया, गजलों के साथ बजाया, भजन के साथ बजा रहे हैं, अब ये सारी चीज़ों का बैलेंस, सारी चीज़ों में अब कोई अगर इंसान जिसने को गाना आता है जी, जो क्लासिकल जानता है, वो मेहंदी हसन साहब को क्या बोलेगा कि ये इनएजुकेटेड आदमी या लता जी को बोलेगा कि ये इसको पता नहीं गाने का। जैसे उसने बोला है भैया ना धरो कुर्बान हो जाए बंदा, वो है क्या है भैया धरो, ये है क्या, ये क्लासिकल नहीं है। अब इसको आप करो हाँ ठीक है, ठीक नहीं है, उसकी जिंदगी लगी हुई है। क्लासिकल बेस है, क्लासिकल को सीखना बड़ा ज़रूरी है, उसी से सब कुछ निकलता है जी। वो समंदर है, अब उसमें से आप और रिफाइन करते हैं। लाइट म्यूजिक है क्या, जिसको हम लाइट कई दफ़ा समझ के सस्ता समझते हैं, वो सस्ता नहीं है, वो लाइट बहुत रिफाइन म्यूजिक है जो क्लासिकल से निकलता है, वो मजाक नहीं है। उसको करने जाएंगे तो उस पर भी उतना ही टाइम लगेगा जितना क्लासिकल में लगता है जी। उसको रिफाइन करने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जितना प्योर करना, जैसे इतने सारे फ्लावर हों तो इतने सारे बुके में से इतना परफ्यूम निकलेगा, ये लाइट क्लासिकल। लता जी ने इस तरह का गाना गाया, नूर जहान ने ऐसा गाना गाया, मेहदी हसन साहब ने वो सेंट बना के रखा क्लासिकल। कोई राग भी शुरू किया है उसमें से सेंट निकाल के रख दिया, रिफाइन करके रख दिया। तो रिफाइन गाने को बंदा कभी भी, ये सस्ता गाना है फिर उसकी गजल क्यों नहीं हमसे गाई जाती। बंदा कोशिश करे, क्लासिकल सीखा है तो बंदा उसकी एक गजल तो बंदा गा के देखे कि शोला था जल बुझाऊं हमारे कुर्बानियों को किस तरह से कट किया है, क्या काम किया कुर्बानी में, मार्मी में क्या हो रहा है। ये तलाशी लोग हैं, रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट, जो लोग साइंटिस्ट हों उनको सस्ता नहीं समझना चाहिए। मैं अगर गजल बजा रहा हूँ तो गजल ऐसे नहीं बजेगी, वो रिफाइन करके किए, मैंने क्लासिकल सीख के इधर आया हूँ, उसमें से निकाला है। फिल्म के साथ कैसे बजाना है, गजल के साथ कैसे बजाना है, डांस के साथ कैसे बजाना है, फलां, ये छोटी चीज़ में मैं इसलिए बिलीव नहीं करता कि एक टाइप का बंदा हो। मैं कोशिश करता हूँ और मैंने कोशिश की है कि मैंने हर किस्म का मालिक की मेहरबानी से हर किस्म की संगत की है। क्लासिकल बड़े बड़े उस्तादों के साथ मैं बजाया हूँ, सलामत अली खान साहब, उस्ताद फतेह अली खान साहब, पंडित जसराज जी है, बड़े सब लोगों के साथ बजाया, सितार के साथ, स्रोत के साथ, करते करते मेहदी साहब के साथ है, मैं उनके साथ अपनी मर्जी का बजा रहा हूँ, हैं फिल्म में भी मैं काम करके आया, उसके म्यूज़िक को भी मैंने समझने की कोशिश की, ये क्या कर रहे हैं, ये कंपोज़र क्या कर रहे हैं, क्या माँ पैदा करेगी मदन मोहन साहब, कैसा कैसा म्यूज़िक लता जी को सीखो उन्होंने करवाया है, कितना रिफाइन म्यूज़िक करके रख दिया। मैं बचपन में वो रिकॉर्डिंग होती थी मेरे पास वॉकमान, तो उसमें लता जी का गाना, मैं बहुत फैन था, तो उसमें मदन साहब की जो कलेक्शन है वो मेरा फेवरेट है, वो आज भी सुनता हूँ, कसम से आंसू निकल आते हैं, ये कैसा करके इन्होंने कहा है, किस तरह से कहा है। कई दफ़ा ऐसे रिकॉर्डिंग करते जा रहा उस्ताद अमीर खान साहब हैं, बड़े गुलाम अली खान हैं, उन्होंने भी गाना गाया है,
क्या गाना गा के चले गए, क्या रिसर्च करके गए, कैसा काम करके गए। तो इन लोगों को ये फॉलो करना है हमें। म्यूजिक कोई भी बुरा नहीं है, हर फूल की अपनी खुशबू है। अब सबका स्मेल देखें, ये क्या किया, ये एक आर्टिस्ट ने क्या किया। और जिन लोगों ने रिसर्च की है उनका कोई जवाब नहीं। वो चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट में है, चाहे किसी और रंग में है, गायकी में है, इंस्ट्रूमेंट में है, जिसने रिफाइन काम किया है, अपने काम को बारीक करके पेश किया है। कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जाते हैं, राग भी वही है जी। मगर वो कैसे ऐसे जा रहे हैं। अमीर खान साहब को हम सुनते हैं, वो सीधा गाना ही नहीं गाते, वो पता नहीं कुछ और ही चक्कर चला के आते हैं, तो वो हैरान होते हैं। तो इन लोगों से ये हमारे लिए बहुत बड़ा राह है, रोशनी है हमारे लिए। आपने इतना सारा वर्ल्ड टूर किया हुआ है, मुझे आपसे एक ये सवाल, क्योंकि अभी आप टोरंटो में आए हुए हैं, अभी आपके कॉन्सर्ट्स हैं, तो मेरा ये एक तरह से आखिरी सवाल आपसे कि आप जब अपने मुल्क में बजा रहे होते हैं या फिर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हम जब बजा रहे होते हैं, हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है ऑडियंस से कि हम जानते हैं कि वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, या फिर ऑडियंस की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे आपसे कि आप जो बजा रहे हैं। लेकिन आप जब विदेश में आते हैं यहाँ बाहर, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है और आपको क्या लगता है रिस्पॉन्स जो है ऑडियंस का, क्या आपको वैसा ही मिलता है या अलग? देखिए, हमारे मुल्कों में लोग जो हैं वो मौसीकी की पूजा करते हैं और समझते हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। वहाँ पर ये है कि पता होता है कि ये सुनने वाले लोग बैठे हैं, और आर्टिस्ट वही है जो जो ऑडियंस को देख ले कि ये कैसा सुनने वाले, तो वहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं है। वहाँ ये है कि ये सुनने वाले लोग हैं और ये मज़ा लेंगे। जब हम विदेश में आते हैं वहाँ मिली जुली ऑडियंस है, वहाँ पर कमर्शियल भी लोग हैं, अमेरिकन भी हैं, कैनेडियन भी हैं, तो हर किस्म का बंदा है। इट्स वेरी हार्ड टू एंटरटेन टू देम, बहुत ज़रूरी है को उनको समझना। तो वहाँ वो काम करना है जो सब खुश हो जाए, आर्टिस्ट वो जो उनको सबको खुश कर चला जाए। और अगर वहाँ पर हम बिल्कुल और सख्ती से अपने काम को स्किल काम लेके चलेंगे तो मार खाएंगे। जैसे पंडित जी ने, रविशंकर जी ने, उस्ताद अलरखा जी ने, इन्होंने आके इस विदेश में जो काम किया, क्लासिकल भी सुनाया, मगर उनकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उन्होंने एंटरटेन भी किया। उनको पता था कि इनको कैसे खुश करना है, हैप्पी कैसे करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ हमारे अपने लोग होते हैं मगर मिली जुली ऑडियंस होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उसमें। हमारे विदेश के लोग भी हैं, दूसरे विदेशों के भी हैं, कुछ फोक सुनने वाले भी आए हुए हैं, कोई क्लासिकल सुनने वाले आते हैं, कोई कुछ, मिली जुली ऑडियंस है। अब मिले जुले लोगों में से परफॉर्मेंस करना, इट्स वेरी हार्ड, वहाँ और कोई प्रॉब्लम। और समझदार आर्टिस्ट जो है वो देख लेते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा सबका रंग दिखा के निकल जाना है। आपका हमारे यूथ के लिए या हमारे जो युवा जनरेशन है, युवा वर्ग के लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या मैसेज होगा? अच्छा क्वेश्चन है। हमारे लोगों का, जो यहाँ के लोग हैं, वो हमारा कल्चर, अपना मौसीकी म्यूज़िक, ये हमारा ट्रेजर है। हमारा कल्चर जो है हमारा ट्रेजर है जी। हमारा लिबास, हम इसको बोलते जा रहे हैं, और हमें अपने माँ बाप और गुरु की रिस्पेक्ट ये ख़त्म होती नज़र आ रही है अपनी मौसीकी। तो उनको ये, अगर ये काम करना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप का और अपने गुरु का एहतराम करें, इज्जत करें। बाकी ये देश, मेरा संदेश जो है वो सब लोगों के लिए है कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, अपने कल्चर को ज़िंदा रखो। वाह क्या बात है। खान साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी, इतनी सुंदर बातें कहीं जो कि हम, हमारे सब के लिए एक तरह से सीख है। नहीं नहीं, बस मैं कोशिश की है, और आपने मुझसे वो बातें आज निकलवा ली जो मैंने कभी किसी इंटरव्यू में नहीं कही। वाह क्या बात है। हमारा ये इंटरव्यू फिर यूनिक हुआ। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है जी। बिल्कुल, अगर वो नहीं है किसी के लिए ना जी, बिल्कुल, आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट क्या जिसमें ईगो हो, गुरूर हो, क्या बात है, अकड़ हो, ये तो झुका देता है। हमारा कल्चर, हमारे मजहब में भी ये सिखाया जाता है कि झुक के
झुक जाओ, जितना झुकोगे ना मालिक उतनी ही ब्लेसिंग देता है। हमें तो ये सीखा है आपकी हर बात में, एक तरह से मोती हम जैसे कहते हैं ना, पर्ल्स ऑफ विजडम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज का यह एपिसोड। अगली बार हम फिर मिलेंगे सांस्कृतिक सफर मानुषी के साथ श्रृंखला की अगली कड़ी में। नमस्कार।